तो गाइज ये है वो युवराज जो कि सीरियल छोटे सरदार कलर्स पे आता था ना, कलर्स पे आता था, छोटे सरदार नाम है। ध्रुव वो भैया को बता मैच में सबकी क्या हो गया? हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और इस वक्त हूँ मैं चंडीगढ़ में। अभी मैं गया था रॉक गार्डन, लेकिन रॉक गार्डन बंद था कोविड की वजह से, तो अभी मैं जा रहा हूँ सुखना लेक। तो गाइस रॉक गार्डन से थोड़ा सा दूर है सुखना लेक, वहाँ पर जो रॉक गार्डन है और उसके बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर है सुखना लेक। सो गाइस अगर आप सुखना लेक बस स्टैंड 43 या बस स्टैंड 17 से आ रहे हैं तो वहाँ से 18 नंबर जो 18 नंबर की बस है वो सीधा आपको सुखना लेक ड्रॉप करती है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो भी वहाँ से बस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से जो रूट है, वहाँ पे जो बस का टाइमिंग है वो आपको लगभग लगभग पौना दो घंटे लगेगा, और अगर आप बस स्टैंड से आते हैं तो वहाँ आपको लगभग सवा घंटा बस में आपका जो टाइमिंग लगेगा। और इसके अलावा अगर आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो आप ओला उबर या जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा होता है उनसे भी आ सकते हैं, जिससे आप यहाँ जल्दी पहुँच पाएंगे। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं सुखना लेक, और अभी जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो आपको व्यू दिखाता हूँ, एंट्री व्यू यहाँ का कैसा है, लेकिन तब तक आप देख सकते हैं जो पीछे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस ये है सुखना लेक का जो एंट्री पॉइंट, लेकिन कोविड की वजह से बहुत दिनों से यहाँ पर जो बोटिंग वगैरह बंद थी, लेकिन अब बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल सामने बोट्स एक दो दिखाई दे रही हैं, तो चलो बोटिंग भी करेंगे और पूरा जो यहाँ का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। लाइक कर दो यार वीडियो को भी। इस साइड जो अपना बोटिंग का जो टिकट काउंटर है वो इस साइड है, लेकिन अभी जो जो बच्चों के लिए झूले हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुए, फूड कोर्ट स्टार्ट हो चुका है, बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं तो सिंगल हूँ लेकिन मैं बोटिंग कैसे करूँ, तो अभी मैं जो क्रूज़ होती है जो मतलब बड़ी वाली शिप है उसके अंदर हम जाएंगे, घूमेंगे पूरा सुखना लेक। बहुत दिनों बाद यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है कि बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लास्ट टाइम हम जब आए थे तो ये सारे जो बोट्स थे सबको लॉक लगा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो गाइज अभी कुछ सीन ऐसा है कि जो सर्वर डाउन की वजह से और नेट ना चलने की वजह से टिकट नहीं मिल पा रहा, अभी लंबी लाइन लगी है, लेकिन देखते हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि 5:15 बजे तक लास्ट टिकट मिलता है, और अभी हो रहे हैं 4:45, तो टिकट मिल गया तो बोटिंग करेंगे, अगर नहीं मिला तो कैंसिल। ट्राई मार रहे अभी भी, तो वैसे अभी ट्राई चल रहा है, देखते हैं चल रहा है या नहीं चला। थैंक यू। 300 रुपये का टिकट है क्रूज का। थैंक यू भैया। तो गाइज फाइनली टिकट मिल चुका है, ये है बोट के अंदर से व्यू जो आप देख पा रहे हैं। बस थोड़ी सी देर में बोट चलने वाली है, हमारा क्रूज चलने वाला है। भैया आप चलाओगे? तो भैया जी आए हैं टिकट चेक करने के लिए। सो गाइस बस थोड़ा सा इंतजार और चलने वाली है हमारी क्रूज, ये वाली बोट शिकारा।
जिसका प्राइस, जिसकी कॉस्ट है 200। ओहो भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यार यहाँ से। तो गाइज अब कुछ बात कर लेते हैं कि सुखना लेक कितना पुराना है और ये कब बना था। लगभग ये 1958 में बनाया गया था और इसको अब 62 ईयर हो गए हैं। एंड ये लेक बताया जाता है कि ये लेक मैनमेड लेक है जिसको पानी का जो रेन वाटर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और कुछ भी फेमस चीज़ें हैं जो सुखना लेक के अंदर, एक टावर है जो सुसाइड टावर के नाम से फेमस है। पहले कहा जाता था कि यहाँ पर लोग सुसाइड करने के लिए इसकी टावर पर चढ़ते थे और वहाँ से ये जंप करते थे लेक में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और अब इस टावर का इस्तेमाल पानी को नापने के लिए किया जाता है। और एक और चीज़ है वो है पीपल का पेड़, जो कि बताया जाता है कि ये बहुत पुराना पेड़ है। ये इतना पुराना पेड़ है जब चंडीगढ़ भी नहीं बना था, ये तब से है। तो अब मुझे नहीं पता कि ऐसा सच में है या नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अंकल उठा के भगा देंगे, अभी वो आएंगे ना, उठा देंगे वो तो नहीं उड़ाएंगे पक्का। तो गाइस बोट में मुझे ये बच्चा मिला है, क्या नाम है? मैरी सूद, मैरी छोटी सरदारनी सीरियल, छोटी सरदारनी सीरियल, युवराज सिंह ढिल्लो। ये क्या है? ये रोल है ना इसका। अच्छा रोल करते हो? सरदारनी युवराज सिंह ढिल्लो। अच्छा चला मत, नहीं तो कैसे यहाँ पे रफा दफा कर दूंगा, ना तारीख ना सुनवाई, सीधा तावर तो छड्डा समझा इसे समझा। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते पर ये जिगर किसी भी बाजार में नहीं बिकता। ये जिगर मर्द खुद लेके पैदा होता है और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी को पड़ता है ना तो उठता नहीं, उठ जाता है। और अगर तूने अदालत में कोई बदतमीजी की ना तो वही मारूंगा, जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। आदि कहाँ रहते हो? मोहाली सेक्टर 68। सेक्टर 68 कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में। अच्छा लगा आपका डायलॉग। तो ये है क्रूज के अंदर से जो सुखना ट्रैक का व्यू। भैया स्लो ही चलती है ये या तेज भी चलाओगे? मुझे लगा पानी कम है इसलिए स्लो चला रहे हो। कितने फीट गहरी है? 15-20 फीट। तो ड्राइविंग करने में मुश्किल है आसान है? क्लियर नहीं होगा ना तो इसको याद अच्छी नहीं। अच्छा मतलब पता होना चाहिए सब चीज़ का। आपको कौन सी अच्छी लगती है? शिकार। तो भैया से मैं पूछ रहा था कि बोट के बारे में, यहाँ के बारे में पानी कितना गहरा है। भैया बोल रहे हैं 15-20 फीट। 15-20 फीट ना, 15-20 फीट गहरी जो ये लेक है सुखना लेक है? आपको और भी पता है सुखना लेक के बारे में? और कुछ भी पता है? अच्छा इतना ही पता है। भैया का नाम कृष्णा है और ये भैया जी बठिंडा से हैं। आप इसका स्टेयरिंग देखिए एक बार, यहाँ से भैया जी कर रहे हैं वेट। बैटरी चलती है ना? कितनी बैटरी लगी हुई है? 8 बैटरियाँ इसके नीचे। और अगर आप पैडल बोटिंग करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, आप पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं आता, इसलिए मैं क्रूज़ पे हूँ। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अगर आप कपल आ रहे हैं तो पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं। क्या नाम है भाई? ध्रुव वो भैया को बता मैच में सबकी क्या हो गया? सबकी माता के नाम में। किसने सिखाया? अच्छा ध्रुव बता कल पापा कितनी पेटी जीते? मैं है दो। क्या दो? 5 पेटी। मार देख के बता। 5 पेटी लेकर पे चला एक तो ध्रुव ध्रुव नाम था ना? क्या नाम है? शेक हैंड शेक कर दे, हाई फाइव दे दे, हाई फाइव दिया वो। अच्छा तो स्कूल जाते हैं ध्रुव? नहीं अभी नहीं जाते। कितने साल के हो? 3 साल का। वो कोरोना के चक्कर में। अच्छा अच्छा तो ये ध्रुव है और ये इसका छोटा भाई। अभी ये इसका छोटा भाई है, इसको आप क्रिश भी कह सकते हो। क्रिश हेलो करो। हेलो हेलो करो। ओह
सो गाइज हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और अभी जस्ट हम उतरने वाले। तो गाइज फाइनली राइड कंप्लीट हो चुकी है बोट की और इसका जो कॉस्ट था वो 300 रुपये था, बट ठीक ठाक था, मतलब इतने ज़्यादा भी मतलब ठीक है, ज़्यादा मज़े भी नहीं आए लेकिन ठीक है, फैमिली मिल गई थी, कुछ लोग मिल गए थे, उनसे बातचीत करके अच्छा लगा। तो गाइज ये था चंडीगढ़ के सुखना लेक का पूरा व्यू और पूरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ।